हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जाने वाला हूँ चेन्नई चैटपेट स्टेशन से मरीना बीच, एंड जो सफ़र है वो लोकल ट्रेन से करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी मैं स्टेशन पे हूँ आगे, और मैंने टिकट ले लिया है। तो ये टिकट 5 रुपये 1 पर्सन का पड़ा है। ये देखिए टिकट, काफ़ी सस्ता है, तो मज़ेदार है। और जाते हैं यहाँ से, आपको चेन्नई बीच मरीना बीच एक्सप्लोर करेंगे आज। धन्यवाद। बाकी ऑल ओवर आप स्टेशन देख लीजिए। अभी फुट ब्रिज पे हूँ और आपको बैक सीन दिखाता हूँ। हमारी ट्रेन आ गई है और हम इसमें जाने वाले हैं चेन्नई चैटपेट। एंड हम लोग अभी ट्रेन में आ गए हैं, सीट ले लेते हैं अपनी और फ्रेंड्स बैठ गए हैं। उस ट्रेन का नज़ारा इस प्रकार का है, खाली पड़ा है पूरा डिब्बा। भाई साहब, ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, लोकल ट्रेन है कहने को। तो एंड ट्रेन पहुंच गई है चेन्नई एग्मोर। चेन्नई में 4 स्टेशन है मुख्यतः, एक्सप्रेस मेल दुरंतो ट्रेन यहाँ पे रुकती है। सबसे मेन तो चेन्नई सेंट्रल है, उसके बाद सेकंड एग्मोर है, इसके बाद ताम्बरम आता है, और एक और स्टेशन है पेरम्बलूर करके, वो है। ये एग्मोर आ गई है। मैं पहुँच चुका हूँ चेपॉक। आपने नाम तो सुना ही होगा चेपॉक स्टेडियम चेन्नई का, तो चेपॉक स्टेडियम उस तरफ है और हम उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं। ये सभी मेरे ऑफिस मेट हैं और अभी हम जाने वाले हैं मरीना बीच और एक्सप्लोर करेंगे आपको मरीना बीच कैसा है। सभी बड़े ही उत्साहित हैं मरीना बीच देखने के लिए। एंड अभी हम चेपॉक स्टेशन पे हैं। चेपॉक स्टेशन कुछ हाइट पे है, ऊपर है ज़मीन से, मेट्रो की तरह जैसा होता है उस तरीके से। एंड आपको आगे हम मरीना बीच एक्सप्लोर करेंगे। गाइस पहुंच गए हैं अभी मद्रास सेनिटोरियम, मद्रास यूनिवर्सिटी के सेनिटोरियम के पास हैं, ऑन द वे हैं और स्टेशन से दूर आ गए हैं, करीब 300 मीटर 400 मीटर दूर आ गए हैं। और आज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रश है संडे के कारण, आगे से मैं संडे के दिन आना अवॉइड करूँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा रश मिलता है यहाँ के मार्केट्स में और जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मरीना बीच, सामने पीछे मेरे आप देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ से मैं आपको मरीना बीच एक्सप्लोर करूँगा और अभी जाने वाला हूँ एक ब्रिज है वो भी फेमस है, उसको देखते हैं, फिर आपको मरीना बीच एक्सप्लोर करेंगे। और मेरे जो भी ऑफिस मेट हैं वो मेरे साथ में है, कैमरा मैन। एंड फ्रेंड्स सामने आप देख पा रहे होंगे पेरेग्नर अन्ना, ये मेमोरियल, इसका वीडियो मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारे साथ में जो हैं वो एक यहाँ के लोकल पर्सन हैं जो कि तमिल में बात कर रहे हैं। करुणानिधि, वो करुणानिधि मेमोरियल, टू मेमोरियल। ओके, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि 2 मेमोरियल हैं। एंड फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ये हैं राघवन। आप आजकल एड बहुत आ रहा है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, रम्मी सर्कल वही नाम है इनका। एंड अभी हम आ चुके हैं वो ब्रिज पे जिस पे आने वाले थे। वो ब्रिज काफ़ी रील्स में, काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है। ये कुछ स्टैचू बना है यहाँ पे कि भारतीय सेना के जवानों का स्टैचू है और 75 बेयर उस पर लिखा हुआ है, 75 पर एम के स्टालिन कुछ उसका इनॉग्रेशन किए हैं। देखिए आपको दिखा, रिवर
ना बोलो उनको नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑटो वाले बहुत पूछते हैं बार बार, कहीं पे जाना है आपको, कहीं पे जाना है। और हम तो आज पैदल निकले हैं तो वो लोग रोक रोक के पूछ रहे हैं। ब्रिज पे क्या हुआ है, एक्चुअली गाड़ियाँ चलने लगी हैं इसलिए हम उस ब्रिज पे नहीं जा रहे हैं ऊपर। बाकी हम उस पर जाना चाहते थे लेकिन ट्रैफिक के कारण नहीं जा पा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। यहीं से हम वापस होके मरीना बीच निकलते हैं। गाइस ये पार्क मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है, इसका पूरा फुल वीडियो डला हुआ है मेरे चैनल पे। एंड ये पार्क मैं एक साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद और ज़्यादा ही टाइम हो गया है, दोबारा से आ रहा हूँ। एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे खास नहीं दिख रहा है। हाँ एक चेंजेस है कि सामने की तरफ चादरें लग गई हैं, ये पता नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है मे बी उसके लिए, तो बाकी सेम पार्क है। ये एक्चुअली मेमोरियल है, अन्ना मेमोरियल और कलिंगर करके बोलते हैं उनका मेमोरियल है ये। तो यहाँ पे काफ़ी विजिटर्स आते हैं डेली, और आज संडे है मेनली, खासकर आज बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और संडे को तो मैं प्रेफर करता हूँ चेन्नई में बाहर नहीं निकलता हूँ, खासकर मार्केट में, लेकिन बट संडे को भी फ्री टाइम मिलता है तो इसीलिए संडे को आना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए ये है समाधि, ये मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ वीडियोस में, और वीडियो चेकआउट कीजिए मेरा। और यहाँ पे सेकंड मेमोरियल, भाई साहब ये लोग काफ़ी पसंद करते थे यहाँ के लोग, ये जो राजनेता थे सीएम थे उनको, इनके बाद जयललिता जो थी यहाँ की सीएम उनकी समाधि भी पास में ही है, वो आज आपको एक्सप्लोर करेंगे, ये तो मैं आपको कर चुका हूँ। धन्यवाद। इसको कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव लुक दिया गया है कि यहाँ पे विजिटर्स आएं, और ये फेमस यहाँ पे लोकप्रिय नेता रहे हैं पेरेग्रिनर अन्ना। ये देखिए उनके बारे में सब कुछ दिया, 1969 में उनकी डेथ हुई है लेकिन अभी तक उनका मेमोरियल बना हुआ है। बाकी आपको आगे का मरीना बीच के आसपास के एरिया दिखाता हूँ। उस तरफ से आओ। एंड फ्रेंड्स पिछला जो मेमोरियल था वो तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये मेमोरियल आपको नहीं दिखाया है तो ये आप इस वीडियो में देख पाएंगे। ये पूर्व सीएम थी जयललिता और अन्ना करके थे उनका, यहाँ पे मेमोरियल है, फ़ोटो भी लगा है। देखिए यहाँ पे अन्ना का मतलब होता है बड़े भाई, तो यहाँ पे हर किसी को हम ये बोल सकते हैं, अन्ना शब्द यूज़ करके उनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उस तरफ से जो अभी हम देखने गए थे वहाँ से ज़्यादा रश यहाँ पे है, क्योंकि अभी बनाया नया है, वो पुराना वाला है 19। तो इनको जो स्ट्रक्चर है अट्रैक्टिव रखा जाता है कि यहाँ पे विजिटर्स आएं। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो, जिनका समाधि है, जिनका मेमोरियल है, उनका फ़ोटो यहाँ पे। आप जानते ही होंगे जब जयललिता जी एक्सपायर हुई थी तब पूरा इंडिया में छुट्टी था, तो वही यहाँ पे मेमोरियल है उनका। यहाँ के लोगों को काफ़ी सपोर्ट की है यहाँ की गवर्नमेंट, काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं इनके शासनकाल में, इसलिए ये लोकप्रिय नेता रहे हैं। एंड ये देखिए कुछ यूनिक लुक इसको दिया गया है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़े, और यहाँ पे विजिटर्स काफ़ी विजिटर्स हैं आज संडे के कारण।
तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा संडे को ना आए, बाकी दिनों में आए, वीकेंड पे ना आए बिल्कुल भी, नहीं तो आपको रश का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए बड़ा ही शानदार यूनिक लुक, यहाँ पे कुछ अलग ही डिजाइन दिया गया है, इंजीनियरिंग कारीगरी। ये देखिए भाई साहब, जो यहाँ की फेमस मुख्यमंत्री रही हैं महिला सीट, उनकी यहाँ पे समाधि है। देखिए ये अम्मा म्यूज़ियम, म्यूज़ियम को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, इसका डिज़ाइन यूनिक रखा गया है यहाँ पे, और है कुछ नहीं खाली, यही है ये समाधियाँ हैं और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग। भाई साहब लोगों को इतना शौक है, इतना लोकप्रिय नेता थे कि आज भी उनकी समाधि पर इतने लोग आए हैं यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है फूलों की, ये देखिए फोटो, एंड ये नॉलेज पार्क नाम से ये बिल्डिंग रेडी हो रही है, और ये जो पूरा समाधि है, ये जो स्ट्रक्चर रेत के ऊपर बना हुआ है, जस्ट इसके पीछे समुद्र है, मुझे आवाज़ आ रही है यहाँ पे पानी की लहरों की, तो अभी मैं आपको बीच का नज़ारा दिखाऊंगा, मरीना बीच है ये पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है रेत के ऊपर बना हुआ है, समुद्र के किनारे पर है, एंड काफ़ी ठीक ठाक लगा ये। गाइस ओवरऑल जो अम्मा समाधि का लिंक है, एक समाधि की, वो पूरा घूम लिए हैं और अभी बाहर जा रहे हैं, ये आ चुके हैं गेट पे, काफ़ी रश था यहाँ पे, और इसका वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगा, बाकी आप पूजा के लिए। एंड गाइस ये देखिए मरीना बीच का नज़ारा, पब्लिक ही पब्लिक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, मेला लगा हुआ है, शाम के बज गए हैं 6:30, लेकिन अभी तक भीड़ यहाँ से निकल नहीं रही है। ये देखिए पूरा पब्लिक का रश आज संडे के कारण, एंड इसी वे में जाने वाले हैं हम लोग, देखेंगे थोड़ा साइड से निकल जाएंगे, बिकॉज इस भीड़ में नहीं जाएंगे, ट्राई करते हैं कहीं सेफ रास्ता होगा तो। एंड यहाँ पे मैं दोस्तों पिछले साल आया था, ये देखिए सामने गुड़िया के बाल और बहुत सारी दुकानें हैं, टी कॉफी, गोभी और नाश्ते की दुकान, कुल्फी। ये देखो भैया 50 रुपये में हॉर्स राइडिंग करो, टैटू की दुकान है, और हम हो जाते हैं भीड़ से साइड, साइड से जाएंगे। एंड अब मैं कर रहा हूँ वीडियो पॉज, आपको आगे से दिखाएंगे। ये देखिए अपने फेवरेट ट्रैक्टर के साथ फोटो खिंचवाओ, सर पैसा लगेगा।
सारा एक्टर है यहाँ पे तमिलनाडु का। बहुत बढ़िया। रजनीकांत का फोटो तो नहीं दिख रहा है। रजनीकांत फ्रंट में नहीं था ना। वो हिंदी है ना। है तमिल। तमिल एक्टर है रजनीकांत। हाँ था फ्रंट में। बड़ा एक्टर है ना तो दिखना चाहिए। फ्रंट ही धस रहा है। ये देखिए भैया तोता है जो वो कुंडली बता देता है पूरा। तोता लेके बताने लगा है। भाई साहब काफी दूर आ गए हैं रेत में चलते चलते। देखिए वहां पे थे जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में आपको दिखा रहा था। काफी दूर आ गए हैं और अभी ये मेमोरियल आपको दिखा के ला रहा हूँ। अगेन चलते चलते काफी दूर आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे वो खेल दिखा रहे हैं रस्सी पे चलने वाला। छोटी बच्ची रस्सी पे चल रही है बांस को बैलेंस करके। सामने आप देख पा रहे होंगे क्रेन्स। ये चेन्नई का बीच है। चेन्नई बीच किसी को बोलते हैं। अंकल भाई ये तमिल में बात कर रहे हैं। मून मनी पांडा 3 बजे का बोल रहे हैं। और वही बेसिक जो नॉर्थ में होता है मेला टाइप वैसा ही यहाँ पे है। बाकी सब ओवरऑल ठीक है। मैं देखा था लेकिन इतना बड़ा लेयर नहीं आ रहा था सर। सर जी क्या मैं बालेश्वर में देखा था समुद्र गया था लेकिन इतना बड़ा बीच नहीं था। तो ये बड़ा बीच है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा बीच है पूरे एशिया का। बीच नहीं बीच लहर भी इतना बड़ा बड़ा नहीं देखा सर। हम तो चले गए आधा किलोमीटर पानी के अंदर चले गए थे। हाँ लेकिन हाथों पे ऊपर से नहीं आया अपन। ये बड़ा बीच है यहाँ तो चले जाएंगे क्या ले जाएगा। देखो अभी है ना ये यहाँ पे आता था पानी अभी लेकिन यहाँ तक रेत जम गया है। ये पहले आए थे अभी काफी रेत जम गया है। लहर दूर पहुँच गई है तो पानी का तल है वो कम हो गया है। यहाँ रेत जमा हो गई है ज़्यादा। और शाम का समय है हवा शांत है। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं। आपको उस रेत के टापू पे जाके बीच दिखाऊंगा वहाँ से एक्सप्लोर करूँगा। और अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए दोस्तों पहुँच गए हैं हम बीच के किनारे पे जहाँ धरती ख़त्म पानी चालू। और ये गार्ड लगे हुए हैं क्योंकि लहरें काफ़ी तेज हैं इस समय तो मरीन पुलिस एक्टिव है। नहाने से मना कर दिया गया है। कोई भी पानी के अंदर नहीं है। खाली आप देख सकते हो किनारे से नहाना अलाउड नहीं है। देखिए शंख बेच रहे हैं दादा बजा बजा के। शंख दिखाते हैं यहाँ पे काफी शंख बिकते हैं। भाई मोल भाव हो रहा है एक संख का कितना ठीक है। वो लोग संख खरीद रहे हैं मोल भाव चल रहा है उनका। आप बीच एंजॉय कीजिए।
एंड इस तरफ देख के तो पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं रेगिस्तान में आ गया हूँ। चारों तरफ रेत ही रेत है और शाम हो गई है। एंड सामने वो मेमोरियल देख पा रहे हैं जो कि अभी हम घूमने गए थे पहले, और मरीना बीच का नज़ारा कुछ इस तरह है। शाम हो गई, लाइटें ऑन हो गई हैं और काफ़ी लंबा बीच है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बीच है ये। और भाई साहब समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ हैं तो मरीन पुलिस डटी हुई है, किसी को भी नहाने की परमिशन नहीं है, पानी में नहीं जा सकता है। एंड तो हमारा बीच घूमना कंप्लीट हो गया है, घूम लिए हैं और अभी वापस जाने वाले हैं। ओवरऑल आज पानी में जाने का मौका नहीं मिला है, वैसे किनारे पे जा सकते हैं। और पुलिस लगी हुई है यहाँ पे क्योंकि लहरें तेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, इस कारण से पूरे में सिक्योरिटी लगी हुई है। और शाम हो गई है, अब सभी को जाना है यहाँ से, तो हम भी यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए बीच, ओवरऑल जो मेरे साथ थे ऑक्समेट थे वो सभी इंजॉय किए, मस्ती हो रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। और अभी इनको लेके निकलते हैं वापस, एंड फिर से जाने में हमको टाइम लग जाएगा थोड़ा, तो अभी टाइम वेम हो सकता है बस से जाने। बाकी बीच देख लीजिए, पूरा रेत ही रेत है, करीब 300-400 मीटर रेत ही रेत है जो ज़मीन है भूमि से, और पानी के बीच में रेत ही रेत का पार्ट पूरा हिस्सा है। एंड ये देखिए दोस्तों क्या खेल रहे हैं ये लोग, कबड्डी। सब तमिल गाइस हैं। एंड ये मेरे साथ है राघवेंद्रन, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे तमिल में। नमस्ते, இன்னைக்கு மெரினா பீச்சில் ஒரு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறோம், அதை உங்களுக்கு எடுத்து வருகிறேன். சுமார் 13 கிலோமீட்டர் தொலைவு உள்ள இந்த மெரினா பீச் இருக்குது. இன்றைக்கி உங்களுக்கு சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறையா இடங்கள் இருக்குது. பக்கத்தில் ஆப்போசிட்டில் அம்மா சமாதி, ஜெயலலிதா அம்மா சமாதி, அண்டு அண்ணா சமாதி, எம்ஜிஆர் சமாதி, மு கருணாநிதி சமாதி போன்ற அனைத்து இது இன்றைக்கி சுற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்காக இன்றைக்கி பதிவு செய்கிறோம். ये बोल दिए हैं कि ये जो बीच है इसका लेंथ जो है पदीमून बोले हैं 13 किलोमीटर है, और इसके आसपास में जो आपको एरिया दिखाया था समाधि वाला, वो अन्ना समाधि, करुणा निधि समाधि, जयललिता समाधि, तो वो सभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर राजनेता रहे हैं, उनका समाधि है। बाकी बीच भ्रमण कंप्लीट हुआ, तो ये यहाँ के लोकल पर्सन हैं, ये हमारे साथ थे तो हमें आसानी हुई घूमने में, और समझ थोड़ा ठीक से हम यहाँ पे घूम लिए हैं, और वो हमको बताते गए हैं किधर पे कहाँ पे जाना है। अब हम वापस हो रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है। कैमरा में काफ़ी उजाला दिख रहा है लेकिन इतना उजाला रियल में है नहीं यहाँ पे, तो अभी रिटर्न होते हैं सभी लोग। एंड यहाँ पे हमारा मरीना बीच का ब्लॉग, एक साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, 2021 में आया था सेम फरवरी मार्च के टाइम पे, उसके बाद अब आ रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं 4-5 बार पहले भी आ चुका हूँ, तो बीच तो मुझे तो अब एक तरीके से कहूँ तो इंटरेस्ट कम है, बोरिंग टाइप का है यहाँ पे आना, लेकिन यहाँ पे आके अच्छा लगता है, इस कारण से मैं यहाँ पे बार बार अगेन एंड अगेन आता रहता हूँ, बोरिंग करने आता रहता हूँ। उसको तमिल में बोलेंगे तिरपी तिरपी, दोबारा दोबारा, तो तमिल भी थोड़ा बहुत मुझे आता है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लेके जा रहे हैं ऊपर, सब ऑफिस मेट है। और ऐसा फील हो रहा है कि रेगिस्तान में चल रहे हैं। चेन्नई का वेदर ऑल टाइम गर्मी वाला रहता है हमेशा, यहाँ पे जब बारिश होती है तभी सर्दी लगती है, नहीं तो सर्दी नहीं आती है। तो मौसम इसका यहाँ चेन्नई का या पूरे तमिलनाडु का कहूँ तो
अच्छा मौसम है, हम यहाँ पर 12 महीने इजीली काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में क्या होता है कि मौसम चेंज हो जाता है, चार चार महीने में बारिश आएगा, गर्मी आएगा, फिर सर्दी आएगा, ये सभी बहुत ज़ोरों से आती है। बारिश आएगी तो पूरा पानी पानी हो जाएगा, गर्मी आएगी तो कुछ कर नहीं पाते हैं, पूरा बोरिंग, और उसी प्रकार ठंड आती है तो वो भी कड़ाके की। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल मौसम रहता है पूरे साल भर, तो अच्छा रहता है काम करने के लिए। आज से यहाँ पे 12 महीने हम काम कर सकते हैं इजीली, तो इस कारण से मैं तमिलनाडु पसंद करता हूँ। बाकी सर्दियाँ अगर इन्जॉय करनी है तो नॉर्थ इंडिया जाइए। बारिश सर्दी बारिश यहाँ पे भी होता है, लेकिन कम होता है, वो होता है बारिश होता है और फिर सूख जाता है जल्दी, तो पता नहीं पड़ता है। धन्यवाद, ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे पता लगता है कि आपने वीडियो देख लिया है। धन्यवाद दोस्तों। कार्य मनाए ना करना, हाँ मानव निर्मित है ये, इट्स नॉट ए नेचुरल वाटरफॉल। एंड गाइस ये है स्टार्टिंग पॉइंट मरीना बीच का, यहाँ से पीछे स्टार्ट होता है। और लौटते टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं, पहले थे देखने के कारण, वाटरफॉल खाली देखने के लिए। और अब यहाँ पे हमारा वीडियो एंड करते हैं, ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपने काफ़ी कुछ एंजॉय किया होगा, जो भी आप एंजॉय किए हैं कमेंट में बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।